Thank you.
ऊपर देखो, एक गया और काफी बाकी है। मैंने तुम्हें निराश किया, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने झूठ कहकर तुम्हें बहलाया, मुझे माफ कर देना।
विंची कहाँ है? यंगशु शहर में कुछ मील दूर उस तरफ। वाह, हमने कर दिया दोस्त। वूहू, हम हैं मास्टर। वू या या वू वा ये तो कमाल हो गया। जरा मुझे देखो, लगता है मेरी कुंग-फू मास्टर की कुछ ज्यादा ही ताकत हो रहे हो। नहीं, तुम एक कुंग-फू मास्टर नहीं हो, तुम तो कोई भी मास्टर नहीं हो। पर तुमने कहा था। मैंने वो सब कहा था बस तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, ओके, पर तुम्हें वो सब सीरियसली नहीं लेना था और तुम्हें मुझे एक बड़ी चट्टान के नीचे नहीं फंसाना था, समझे? तो तुमने झूठ कहा था। मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। तुम कुंग-फू अच्छी तरह नहीं कर सकते, सच्ची, जरा भी नहीं। आओ, चलो, अच्छा हुआ जो बता दिया। कुछ वक्त के लिए मैं सोच बैठा था कि मैं पूरी तरह निकम्मा नहीं हूँ। गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने जो भी कहा, रुको, जैंग, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुमने उसे कहा कि वो एक अच्छा कुंग-फू मास्टर बन सकता है? वो रो रहा था। अब भी रो रहा है तो बहुत अच्छे। मैं बस मदद करना चाहता था। ये मदद करना कैसे हुआ? उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए। उससे झूठ बोलने से मामला और बिगड़ गया। तुम कौन हो, मेरे डैड? तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तुम्हें उसके रोने से परेशानी हो रही थी तो उसे चुप कराने के लिए तुमने झूठ बोला। तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो पर तुम सिर्फ एक मतलबी झूठे पैंडा हो। मैं एक अच्छा बंदा हूँ। हाँ दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे हो। जैंग खुद को कुछ कर बैठे, इससे पहले उसे ढूंढना होगा। तो क्यों ना हम अंताक्षरी खेले? क्या फायदा है, मैं क्यों कुछ करूं? मैं निकम्मा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ मदद करूं? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे ये तो एक जेड पैलेस यूनिफॉर्म है। क्या शिफू ने तुम्हें भेजा है? क्या? रुको, क्या ये यांगशु है? क्या आप विंची है? हाँ और हाँ। मैंने आपको ढूंढ लिया। मैंने कुछ सही किया। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। क्यों? बात क्या है? घूमो रहे, पकड़ो उन्हें। ओ, तो ये बात है। में तो वो हमें पकड़ लेंगे और मारेंगे। हाँ? जाने दीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उड़ा कर ले चलता हूँ। तुम तो बस मुझे ज्यादा वजन होने का एहसास करा रहे हो। सॉरी, शायद हमें भागना चाहिए। तुम खुद को दोष मत दो। मैं शिफू तक आपका मैसेज ले जा रहा था। मैंने लंच ब्रेक लिया और टेमो चाय ने मुझसे वो चुरा लिया। देखो, उन्हें वहाँ से एक एक करके अंदर आना पड़ेगा, फिर तुम उनसे आसानी से लड़ पाओगे। मैं? आप उनसे क्यों नहीं लड़ सकते? आप तो जेड पैलेस से हो। और तुम भी। हाँ, पर मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। मुझे तो लगा था तुम एक कुंग-फू मास्टर हो। एक मिनट, अगर आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं, तो फिर आपने जंग कैसे रोकी थी? मैंने वो मैसेज पहुँचाया था जिससे टेमुटाई का प्लान चौपट हो गया था।
मैं लड़ नहीं सकता, पर मैं काफी एक थप्पड़ मार लेता हूँ। तो फिर चलो हम उन्हें मिलकर थप्पड़ लगाएं दोस्त। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ऊपर देखो। एक गया और काफी बाकी है। मैंने तुम्हें निराश किया, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने झूठ कहकर तुम्हें बहलाया, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, तो हम कैसे मदद करें? पता नहीं, बस इन सबको एक तरफ रखते जाओ, ये यहाँ जमा होने लगे हैं। भाई और कितने बाकी है? बस एक और बचा है। सिंची, अब तुम नहीं बच सकते मुटाई के गुस्से के घर से। पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ठीक है। परसिंग, फिक्र मत करो मास्टर को, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा वो डक दोस्त तो डरपोक निकला। सेम उठाए, ड्रैगन वॉरियर को यहाँ से जाने दो, तुम्हें बदला तो मुझसे लेना है। दरअसल मुझे तुम दोनों से नफरत है, मैं बस अभी इसे खत्म कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। मैंने तुम्हें हरा दिया है अपने कमाल के मैसेंजर पंखों से। बहुत अच्छे जेंग, पर तुमने यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आए? एक अच्छा मैसेंजर कभी अपने राज नहीं बताता। तो मुझे लगा जेंग कुंग फू मास्टर है और उसे मेरे बारे में भी वही लगा। ओहो, नाक से चाय निकली, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। एक मिनट, मैंने तो चाय पी भी नहीं। मास्टर शिफू, जाता हूँ, मैंने आपको निराश किया और उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं यहाँ जरूरी काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कद्र करें। तुम सही हो जैन, मैंने कभी तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जिसके तुम हकदार हो। मैं माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी पुरानी नौकरी वापस ले लो अगर तुम चाहो तो। शुक्रिया, मुझे मंजूर है और मैं भी आपको आपकी पुरानी जगह वापस देता हूँ मेरी जिंदगी में। मुझे भी मंजूर है। बहुत अच्छे, अब जरा तुम जल्दी से ये चाय या जो भी है साफ कर दो। सॉरी, अभी लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक? वो मजाक कर रहा था, है ना? नहीं, नहीं।